हो गई हम लोगों की वोटिंग और हमने डिसाइड किया है कि हम स्पीड बोट में भी जाएंगे। सो उत्कर्ष के पापा गए हैं टिकट लेने के लिए और हम लोग उसके लिए रेडी हो गए। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। मेरे को टिकट लेट देंगे, आपका नंबर लेट लगेगा। जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ हम लोग मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि वायरस का खतरा तो अभी भी है ना। ये पाथ है जहाँ पे हम लोगों को एंटर करना है। हमारी वोट अभी आई नहीं है। ये पूरा हिल रहा है, चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है पानी के ऊपर। पापा का हाथ पकड़ रहे हैं ना, बाकी में कहीं ड्राइवर नहीं दिख रहे ना। सबसे आगे पापा के साथ ही बैठ जाओ ना, इसमें सीट बेल्ट होगा लेकिन इसमें कोई सीट बेल्ट नहीं है। तुम दोनों एक तरफ, हम एक तरफ। हाँ जी चलो, ये तेज लेना, तेज लेके आना। हाँ भैया, बड़ी छोटी सी तो राइड है और उसमें भी अगर हम लोग धीमे धीमे जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। भैया थोड़े थोड़े करके बाहर आइए, एक साथ नहीं। विवेक जी चीकू, एकदम खाली हो गया ये पूरा, एकदम खाली पूरा। मजा आया? वो आ रहा है लौट के, गाने बज रहे हैं। विवेक जी से पकड़िए, तब तुम उतारे। अच्छा है ना, बच्चों के लिए बनाया है सब पूरा, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बस यही है कि बहुत दूर पड़ता है, अदरवाइज ब्यूटीफुल। जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए वो यहाँ एक दो दिन स्टे भी कर सकते हैं। उनके रुकने खाने पीने की सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा सा कैफेटेरिया है। कृपया फूल पत्ती ना तोड़ें और वो डहलिए लगे हैं बहुत सारे। जगह चाहे जो भी हो, अगर वहाँ पे फूल, थोड़े से पौधे, थोड़ी ग्रीनरी होती है तो वैसे ही सबका मन लग जाता है। आगे बेटा आ जाओ। Yes.
बेटा ये काफ़ी कवर हो गया, हम लोग काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा चेंज आपको लग रहा है। हम लोग यहाँ आ चुके हैं। हाँ हाँ, यहाँ से बंद कर दिया, ये खुला हुआ था पूरा। चलो ठीक, हाँ लेकिन जाने का रास्ता डिवाइडेड हो गया ना, ना वही लगाइए, बहुत प्यारा लग रहा है, पीछे का लोकेशन बहुत अच्छा। आप भी कनेर का है, हम आपकी चोरी पकड़ रहे थे कि देखो बीवी बना रही है वीडियो फिर भी चैन नहीं है, अपने मोबाइल से लगे हैं। मैं तो फेसबुक प्रोफाइल चेंज कर दी इसके लिए, शर्म नहीं आ रही, हम दे देंगे ना भैया। देखो हो गया तुम्हारा, चिको गिरा मत देना। फुल डे स्पेंड करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, और हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, नहीं तो हम लोग और पहले आते और खूब इंजॉय किया होता। यहाँ पे खूब ग्राउंड है और बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब अच्छी ग्रीनरी है, इस मौसम के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। इससे पहले जब मैं आई थी तब ये शेड नहीं बना था, ये पूरा ओपन था, यहाँ पे काफ़ी धूप लगी थी हम लोगों को, लेकिन अब टाइल्स वगैरह लग गए हैं तो बहुत सुंदर हो रहा। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये है वो शेड, लास्ट टाइम जब उत्कर्ष बहुत छोटू से थे तब हम लोग आए थे यहाँ पे, उसने भी काफ़ी मस्ती की थी, यहाँ लोग अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन अभी उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा सेल्फी खींच रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं तब तक वीडियो ले लूं। और वैसे भी उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी जब मैं आई थी, तो अब ब्लॉगिंग में तो बनता है ना कि आप लोगों को भी दिखाऊं, समझाऊं कि यहाँ पे क्या है। जबलपुर जो लोग घूमने आते हैं वो लोग यहाँ पे भी आए, और मैं उस टाइम भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई थी, और अभी भी मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई थी। आ जाओ बेटा, चलिए बाबा। विवेक जी पीछे कहाँ चश्मा, आप तो और उसको ले आइए भाई। पट्टा चारों तरफ खूब अच्छी गार्डनिंग है, यहाँ से चलो, आपको जो रूट दिखे आप वहाँ से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, आपका चश्मा पापा के पास है, हाँ ठीक है वहाँ से चल सकते हो। फिर से उसी रूट पे आ गए, मज़े कर रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, दो ढाई घंटा लौटने में लग जाएगा। यही मौसम बहुत अच्छा है घूमने के हिसाब से, ज़्यादा गर्मी में यहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि पार्किंग बाहर है, अब निकला जाए यहाँ से, क्योंकि हम कहीं और भी थोड़ा सा जाना चाहते हैं, ज़्यादा रात हो जाएगी तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। उत्कर्ष के पापा का बहुत ज़्यादा मन है कि हम वहाँ जाएँ, तो उनकी डिमांड पर हम जा रहे हैं। आप लोग हर समय छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, तो चाबी हमने अपने पर्स में रख ली है। चिको गाड़ी आ रही है, हट जाओ। फाइनली हम लोग लौट कर भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज हम लोगों को आने में, एकदम अंधेरा हो गया था, ठंडा भी हो गया था, खैर गाड़ी में थी इसलिए ठंडक का तो पता नहीं चला। और बस केक हम लोगों ने ले लिया था, फटाफट केक कटिंग कर ली, मम्मी जी पापा जी इंतज़ार कर रहे थे, और थोड़ी सी मिठाई ले ली थी, बाकी जो भी बनाना खाना होगा अब हम लोग करते रहेंगे। और ऑलमोस्ट हम लोग का सेलिब्रेशन हो गया, और सबसे ज़्यादा हम लोग को घूमने फिरने में बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। उत्कर्ष बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो वो सोने के लिए एकदम चले गए हैं, मैं भी चेंज कर लूँ और सबको डिनर करा दूं, और फिर आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये हम लोगों की छोटी सी ट्रिप आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।